वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो फ्रेंड्स, आज आपको बताते हैं कि जो एल्युमिनियम फ्रेम होता है, विंडो का फ्रेम होते हैं, विंडो फ्रेम एंड आपका ये फिक्सिंग, इसको बोला जाता है, जैसे एक पैनल बन गया, चाहे डोर एंड विंडो एंड डोर में पैनल बनता है, तो इस तरह आपका ये पैनल होगा, फिक्स पैनल, ठीक है, ये फिक्स पैनल होगा आपका, और ये आपका दो, ये आपके जो शटर हैं, आपके जो ओपनेबल हैं, ये ओपनेबल शटर हैं, ये दोनों आपके शटर रहेंगे, और ये आपका साइड ट्रैक, यानी आपका साइड ट्रैक टॉप ट्रैक हो जाता है ऊपर में, ये थ्री पैनल वाला होता है, ये इसमें थ्री साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स, और इस तरह से जैसे चैनल है, चैनल में ये वाला होल फाइल जो ब्लैक ब्लैक सी होती है, ये वाली, ये होल फाइल सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि ये साइड होती है, साइड में कोई स्क्रैच से बचने के लिए, तो और टाइटली हो जाता है ये, और जो ये आप रबड़ देख ले, जिसको ग्लास है, ये ग्लासों की इसको फिक्सिंग करते हैं प्रोफाइल में, तो ये आपका ब्लैक होल फाइल पीवीसी फाइल, और ये आपका इंटरलॉक हो जाता है, ये आपका जो साइड में लगते हैं इस तरह से फासनर हो जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रिल करके ये आपको ट्रैक को उसमें फासनर करते हैं, इसको जैसे ये फासनर देख रहे हैं, पैंच देख रहे हैं वाला, इस तरह से इसको फासनर अंदर से फिक्स कर देते हैं, फासनर रबड़ वाला होता है, उसके बाद ये पैंच होता है, इस तरह से ये आपका लॉक होता है, ठीक है, ये इंटरलॉक हो जाता है, उसके बाद ये आपका साइड में देख रहे हैं ये वाला, इस तरह से पीछे जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस तरह इंटरलॉक होता है, इससे सेम अपोजिट इस विंडो, इस स्लाइडिंग होता है, ठीक है, दोनों स्लाइडिंग है ये, और इस तरह से आपका इंटरलॉक होता है, और इसको खोलने के लिए क्या होता है, सिंपल इस तरह से आप दबा के नीचे खुल जाता है, आप देख रहे हैं साइड में यहाँ पे, इस तरह से लॉक हो जाता है, ये लॉक आपके विंडो में चल जाता है, ठीक है, ये लॉक इसमें अंदर से फिक्स हो जाता है, तो इस तरह से एल्यूमिनियम का जो डोर है, विंडो है, फिक्सिंग होती है, इस तरह से आपका ये सामान है, ये आपका ट्रैक हो जाता है, इसमें हमेशा देखते हैं यहाँ पे साइड में नीचे, तो आपका ओनली सिंपल लगा हुआ है, ठीक है, सिंपल लगाने के बाद आपको इसमें यहाँ पे बॉटम, इसमें कलम बना के लगाई जाती है, बॉटम में यहाँ पे इसमें कलम बना के लगा दी गई है, तो ये आपका जो ट्रैक है, आप जैसे ये आपकी प्रोफाइल है नीचे, तो इसमें थोड़ा स्मूथ बना हुआ है, इसमें ये आपका टॉप में लग जाता है, यहाँ पे आप ग्लास, आपका ये आपके ग्लास लग जाता है इसमें, और विद पीवीसी के लिए इसमें आपका ग्लास फिक्सिंग, आपका पीवीसी फिक्सिंग लग जाती है इस तरह से, और ये आपका जो चैनल है, इस तरह से आपके ये देख रहे हैं पाइप, देख रहे हैं पाइप, और जो ये एंगल देख रहे हैं आप, ये एंगल आपकी 1 सेंटीमीटर की लगती है, आप नीचे लगती है यहाँ पे, इस तरह से ग्लास के फिक्सिंग के बाद, ये फिक्स पैनल में, ठीक है, आपका फिक्स पैनल में आपका ये एंगल हो गई, और ये आपका ट्रैक हो गया जिसमें आपका ग्लास लगता है, इस तरह से ये आपका ये, ठीक है, यहाँ पे आपका ये पैनल है, ये पैनल आपका इसमें स्लाइडिंग हो जाता है, स्लाइडिंग, ठीक है, और ये आपका चैनल है, ये आपका चैनल, ये आपका जो देख रहे हैं पाइप, ये रेक्टेंगुलर पाइप है, ये पाइप आपको जो फिक्स होता है वो इस तरह से नीचे फिक्स होता है, और तो ये आपका जो शटर, ये आपका शटर होता है, स्लाइडिंग वाले शटर होता है, ये आपका टॉप होता है, इस तरह से टॉप में इसके नीचे लगाया फ्रेम में, तो ये आपका बॉटम फ्रेम हो गया, इसके अंदर आपको जो कटिंग हुआ है यहाँ पे, कटिंग करने के बाद जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पे, नीचे इतना कटिंग कर दिया जाता है, ये वाला जो कटिंग हुआ, नीचे कटिंग करने के बाद एक बैरिंग लगाया जाता है, स्टील वाला बैरिंग होता है, इसमें छोटे छोटे दो छोटे छोटे बैरिंग होते हैं यहाँ पे, नीचे लगा दिए जाते हैं डोर विंडो फ्रेम के लिए, जिससे कि ये नीचे स्लाइडिंग होता है, तो आपकी जो बैरिंग जो स्लाइडिंग होती है, आपका जो स्लाइड वाला है, इसमें जो फर्स्ट वाले में होता है आपका दो बैरिंग, एक कोने बैरिंग लगा दिया जाता है, आसानी से आपको ये फिक्स होता है, तो आपके जो बॉटम एरिया वाला बॉटम है आपका, जो ये बॉटम है, बॉटम एंड साइड दोनों की विड्थ एंड विड्थ सेम है, बट जो आप देख रहे हैं साइड में यहाँ पे आपका जो डोर हो, ये फिक्स होता है, ये वाला जो फ्रेम है, तो इस तरह से कुछ बेसिक्स पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको, जो आपका साइड वाला साइड ट्रैक है, बॉटम ट्रैक है, बट इन दोनों का डिफरेंस ये है कि इसमें आपका कोई भी आपका जो एजिंग है, ये वाला इस तरह से पॉइंट है, ये वाला लाइनिंग जो नहीं होती है, जो लाइनिंग इसमें दी जाती है, जस्ट ये आपकी ओनली उसके लिए, आपके जस्ट ओनली आपकी बैरिंग के लिए जाती है, स्लाइडिंग के लिए, ताकि इसमें जो स्लाइडिंग आप देख रहे हैं कितनी सॉफ्टली से स्लाइड हो रहा है, इसमें नीचे जो होता है बैरिंग होता है, छोटे छोटे लगे रहते हैं उसमें विंडो के फ्रेम के लिए, स्लाइडिंग होती है, जस्ट बॉटम में ही लगाया जाता है, बट साइड में नहीं, ना टॉप में लगाया जाता है, बॉटम में ही, क्योंकि जो विंडो का जो लोड है सारा बैरिंग पर आता है, ठीक है, और साइड में आपको देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, और इसमें आपका नीचे ये स्लाइडिंग के लिए विंडो को इसमें बनाया हुआ है, तो इस तरह से आपका ये लॉक है, ये वाला जो लॉक होते हैं इसमें से ये अलग से ही बनता है, 90 में उड़ाते हैं फिर 45 मारते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, इसको 45 डिग्री में कलम बना लेकर यहाँ पे जो देख रहे हैं लगाने के लिए बॉटम एंड साइड, ठीक है, तो इन दोनों में देख रहे हैं आप सेम है, आपकी जो बनी हुई है सेम शेप्स है, बट ये भी शेप दिख रही है आप इसमें, ये आपके जो प्रोफाइल साइड में देख रही है, ब्लैक वाली जो प्रोफाइल लगती है इसमें साइड में, साइड में आपकी होल फाइल इसमें फिक्स हो जाती है, रबड़ की होने होती है, और जो साइड में देख रहे हैं ये पीवीसी पाइप है, पीवीसी फाइल है, ये साइड में फ्रेम ग्लास फ्रेम में लगा जाती है, इसमें से यहाँ पे ये चैनल
या आपके विंडो को चलाने के लिए बैरिंग जिसमें ऊपर से रख दिया जाता है। कुछ बेसिक पॉइंट थे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको लगाते हैं, कैसे फास्टन करके इसमें पैंच लगाया जाता है, कैसे आपके ये विंडो फ्रेम लगाया जाता है। कुछ ये टूल्स हैं, आपके चैनल्स हो गए, आपके ये पाइप हो गए, इसको रेक्टेंगुलर पाइप, या आपकी प्रोफाइल हो गई साइड वाली, ठीक है, आपका एंगल हो गया है, ठीक है। कुछ ये बेसिक पॉइंट थे जो मैंने आपसे शेयर किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।